हेलो माय टिंसल फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज मेरे चैनल ट्विन टाइम गाइडेंस 1111 पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। सो गाइज, आज का वीडियो आपकी डिवाइन मास्कुलिन की करंट एनर्जी पर बेस्ड है जो इस फुल मून में आई है, ओके। एंड ये जो फुल मून का पीरियड है इसमें आपकी डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि जैसे मानो उनका दिल कुछ और बोल रहा है और उनका जो दिमाग है ना वो कुछ और सोच रहा है, ठीक है। एंड वो सुनते कुछ और उनके जो आँखें हैं ना वो देखते हैं कुछ और, ठीक है, जो उनको और भी कन्फ्यूजन में डाल देता है कि क्या सच है और क्या झूठ है, ठीक है, मतलब किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें, ठीक है। मतलब उनकी जो एनर्जी है ना वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है। एंड वो जब नॉर्मल होते हैं ना वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। एंड आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी है ना, जब ये जो अप एंड डाउन ये चल रहे हैं ना, ये सब आपकी वजह से ही हो रही है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो डिवाइन फेमिनेंस है वो अभी अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू कर रहे हैं, राइट। एंड अगर आप फुल्ली अवेकन नहीं है एंड आप कभी कभी आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उन्हें आपकी पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं या फिर कभी कभी आप अपनी निगेटिव एनर्जी भी भेज देते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है ना उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एंड उसके बाद फिर वो लो हो जाता है, ठीक है, ओके। तो जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी है ना उसमें अभी बैलेंस्ड मुझे नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। तो गाइज, आपकी जो एनर्जी है, आप जिस भी एनर्जी में हैं, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, आप उसे हील करके ही भेजिए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका डिवाइन मास्कुलिन जल्दी अवेकन हो जाए, ठीक है। आप ऐसे मतलब ज़बरदस्ती उनको आपका जो एनर्जी है उसे मत भेजिए, ठीक है। इसमें आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है ना वो और ज़्यादा मतलब इस रिलेशनशिप में रन करने लगेंगे, ओके ओके। तो गाइज, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आपकी डिवाइन मास्कुलिन की इस फुल मून में आई है वो कुछ ऐसा है कि वो अभी उनके जो करियर है एंड उनकी जो रिलेशनशिप है आपके साथ, ये दोनों में वो एक बैलेंस को चाहते हैं, ठीक है। दोनों को कैसे बैलेंस किया जा सकता है वो उसके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे कुछ इस तरह का एनर्जी भी फील हो रही है जिससे बहुत सारे डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनेंस में कास्ट एंड रिलीजन की बहुत बड़ा इशूज चल रही है, ठीक है। एंड जिसकी वजह से आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है ना वो कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है या फिर नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है इसमें आज भी कास्ट एंड रिलीजन को लेके एक अलग सा नज़रिया है, ठीक है। एंड जिसकी वजह से वो इस बात को लेके मन ही मन डर भी रहे हैं कि अगर वो इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजन मैरिज कर लिए तो क्या उनकी जो फैमिली है वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। उनके मन में यही सवाल चलता रहता है 24/7, ठीक है, ओके। एंड आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो अनमैरिड ट्विन्स है, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो शादी को लेके कोई कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, ना ही इस बात को आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं कि उनकी फैमिली ये जो इंटरकास्ट मैरिज है ना इसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना वो ऐसा सोच रहे हैं कि चलो ये जो रिलेशनशिप है ना ये जैसी चल रही है वैसे ही चलने दो, ठीक है, ओके। एंड कभी कभी ये सोच के वो इतना घबरा रहे हैं कि अगर आपकी शादी किसी और से हो जाए तो वो इसे कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, उस सिचुएशन में वो अपने आप को कैसे संभालेंगे, ठीक है, मतलब कैसे जिएंगे वो आपके बिना, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन को फील करते हैं, मतलब जैसा आप फील करते हैं ना वो भी वैसा वाला कनेक्शन को आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। तो इस दर्द से बचने के लिए आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है ना वो अभी से ही आपके बगैर कैसे जिया जा सकता है वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। बट सच तो ये है कि आप दोनों को ही पता है कि उनको आपसे ज़्यादा कोई और प्यार नहीं कर सकता, ना ही आपको कोई और उतना ही प्यार कर सकता है जितना आपकी डिवाइन मास्कुलिन आपसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे में कंप्लीट हैं, तो किसी और के साथ ना वो कंप्लीट फील कर पाएंगे ना आप
ओके एंड उनको किसी और के साथ वैसा वाला सुकून नहीं मिलेगा, ना ही वैसा वाला प्यार वो महसूस कर पाएंगे जो प्यार जो सुकून वो आपके साथ फील करते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो फैमिली के प्रेशर में आके किसी और से शादी कर भी लिया, बट उनका जो दिल है, उनका जो सोल है, वो हमेशा आपको ही चाहेंगे। ठीक है, एंड वो वाली जो पेस है उनको किसी और के साथ कभी फील ही नहीं हो सकता, एंड ये बात उनको अच्छे से ही पता है। ओके एंड इस बात को सोच सोच के आपका जो डिवाइन मास्कुलाइन है ना, वो अकेले में बहुत ज़्यादा रोते भी हैं। ओके एंड तब वो आपको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं, एंड उनका ये जो एनर्जी है आप कभी ना कभी फील भी किए होंगे कि सपोज आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो, या फिर आप फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर हो, बट सडनली आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं और विदाउट एनी रीज़न आप रोने भी लगते हैं। ठीक है, जिसका कोई रीज़न आपको पता भी नहीं होता, तो ये आपकी जो पर्सन है उसी का ही एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, ओके एंड गाइस, आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनका जो सिचुएशन है अभी का, ये बहुत टफ है। ठीक है, बट जैसे ही इस टफ सिचुएशन में वो आपको याद करते हैं तो इस सिचुएशन से वो आसानी से निकल भी जाते हैं। ठीक है, ओके एंड वो अभी फाइनेंशियली थोड़ा सा इम्बैलेंस भी है एंड है, तो इसके बारे में भी वो सोच रहे हैं कि कैसे अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया जा सके। ठीक है, एंड उनके मन में अभी बहुत सारे थॉट्स चल रही है जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए आपसे दूरी भी बना लिया हो, बट उनके माइंड में आपका थॉट्स 24/7 चलती रहती है। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि कैसे आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है इसे एक नाम दिया जा सके, कैसे इसके बारे में वो अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकें। ठीक है, फिलहाल वो यही सोच रहे हैं कि आप दोनों कैसे फ्यूचर में एक हो सके। ओके सो गाइस, यही था फिलहाल आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी जो इस फुल मून में आई है। ओके अगर आपके साथ मेरी वीडियो रिजोनेट कर रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।